ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा भरतपुर दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन मंत्री ने भरतपुर जिले के नदबई पंचायत समिति पहुंचे और पंचायत समिति भवन में मंत्री की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम हुआ। जनसुनवाई कार्यक्रम में मुन्नी देवी प्रधान पंचायत समिति नदबई, उप प्रधान भूपेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला परिषद CEO सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम में काफी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे और मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। मंत्री मीणा ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर कई मामलों का मौके पर ही समाधान करवाया। मंत्री ने कार्यों में लापरवाही को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कार्यों में अनियमितता और लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि नदबई क्षेत्र के लोगों ने पानी, बिजली, सड़क सहित सभी विभागों की समस्याओं से अवगत करवाया। इसके लिए अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नदबई क्षेत्र का विकास हो और यहाँ के लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले। मंत्री ने कहा कि समय पर कार्य करने के साथ गुणवत्तायुक्त कार्य करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यों में प्रगति लाने के लिए क्षेत्र में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। एक्सटेंशन होता रहता है, परिवार भी नया परिवार बसता है, आबादी नई आबादी बनती है, नए लोग आते हैं, नई व्यवस्थाएं होती हैं, एक्सटेंशन होता है। तो ये चीज़ें बिजली पानी जब तक इस धरती पर लोग रहेंगे सतत ये प्रक्रिया तो आती रहेगी, लेकिन हमारा काम है कि लोगों की समस्या का समाधान हो और समाधान लंबित नहीं होना चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, समयबद्ध कार्यक्रम हो। इसके लिए हमने हमारी जिला लेवल की मीटिंग होती है, उनको स्पष्ट निर्देश है कि जिस व्यक्ति के लिए ये योजना बनी है उस पात्र व्यक्ति को लाभान्वित होने में समय नहीं लगना चाहिए। जहां लोगों की फीडबैक है, मांग है, उसी हिसाब से हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी कि हमारे जिले में, हमारी विधानसभा में हमारे यहाँ क्या काम होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने जो मांगा लोगों ने वो दिया है, लेकिन वो धरातल पे आए और उसमें गुणवत्ता हो, ये सारी चीज़ों की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि काम कैसे करवाने हैं, कहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, किस वजह से नहीं हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है। भरतपुर जिले में पानी की प्रॉब्लम तो यानी पूरे जिले में ही दिक्कत है, तो उसकी व्यवस्था के लिए कहाँ पर क्या कर सकते हैं वो फीडबैक हमें मिल गया। किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह के? माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार प्रभारी मंत्री जिले का होने के कारण हमें हर ब्लॉक में पंचायती लेवल पर, उपखंड लेवल पर जनसुनवाई करनी है और जनसुनवाई के दौरान आम जनता की शिकायत है, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पुलिस है, सभी विभागों की शिकायत आई है। किसी को कोई पट्टी की शिकायत है, किसी पेंशन की शिकायत है, किसी पानी नगर में नहीं आ पा रहा है आपके सिस्टम में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। कुछ मुकदमों की है, कुछ नामांतरण से संबंधित है, कुछ सड़कों की है, तो जो भी हमने मौके पर निस्तारण की कोशिश की है कि मौके पर निस्तारण हो, कुछ इनक्रोचमेंट के हैं उसके दिशा निर्देश दिए। तो हम चाहते हैं कि भाई जो आया है फरियादी उसकी समस्या का समाधान हो मौके पर, और जहाँ विकास की कुछ बातें हैं कि भाई यहाँ पर ये रोड बननी है, यहाँ पर JSS बनना है, या पानी की टंकी बननी है, या डीप बोर्ड लगना है, उसके लिए हम प्रस्ताव जो आए उन प्रस्तावों को देखेंगे और उनका भी समाधान कराएंगे कि लोगों को पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए और उसकी स्वास्थ्य की भी देखनी है कि वहाँ उसको दवाइयाँ मिल रही नहीं मिल रही हैं। और इसी संदर्भ में हमने अधिकारियों की जो कार्य से लिए उसको भी परखा है, कौन अधिकारी काम कर रहा है, नहीं कर रहा, लापरवाही है, कुछ वैकेंट पोस्ट हैं यहाँ पर कि SDM नहीं है या अन्य विभाग के कुछ अधिकारी नहीं है, तो उस बारे में हम चर्चा माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। MLA साहब ने भी हमें अवगत कराया है कि ये प्रॉब्लम है, कुछ अधिकारी नहीं है, उनकी वजह से कार्य में रुकावट आ रही है, कुछ काम नए भी होने, उनका भी इन्होंने फीडबैक दिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री के पास
जब भी हमें हमारी बैठक होगी उसमें चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि नदवई क्षेत्र का विकास हो, यहाँ जो भी समस्या उनका समाधान हो और जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएँ, और लोगों की जो समस्याएँ जो आई हैं, कुछ अधिकारियों ने भी कुछ गड़बड़ की है या समय पर नहीं करवा रहे हैं तो उनकी जाँच करवा रहे हैं, एक्चुअल में जो शिकायत आई है वो सही है या उसमें हम क्या कर सकते हैं।